Assalamu alaikum. Hamari series chal rahi hai learn special databases with PostGIS and QGIS ke upar. Aaj ka hamara topic wo hai a case conditions aur comparison thoda sa dekhenge aur data type hum dekhte hain aaj ke topic mein. To sabse pehle hum dekhte hain ki PostGIS ya Postgres ke andar jo hai basic types kaun si hoti hain. Actually ye Postgres ki data types hoti hain aur jo extension hai PostGIS wo isi ko use karta hai. Hum dekhte hain ki PostgreSQL ki jo column ki data type kya hoti hai. Data type aapki hoti hai कि जो आपका कॉलम होता है अगर मैं यहां से टेबल स्टूडेंट्स सेलेक्ट करता हूं तो आप देखते हैं कि आपकी डाटा की टेबल की जो फील्ड्स हैं उसके अंदर वैल्यूज हैं उसकी कोई ना कोई टाइप है जैसा कि यहां पे आपको वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू उसकी डाटा टाइप इंटीजर यहां पे नजर आ रही है इसी तरह ये कैरेक्टर वेरिंग है यानी कि स्ट्रिंग वैल्यूज है आपकी और एंड पे अगर हम देखें तो यहां पे आपको ये टाइम स्टैम्प के अंदर डेट नजर आ रही है एक्चुअली ये पेरेंट इसकी जो डाटा टाइप डेट है तो फिर आगे टाइम स्टैम्प उसमें और ये डबल प्रेसिजन है आपके पास यानी कि इसमें आप डॉट भी लिख सकते हैं यानी कि 2009 समथिंग कुछ भी float value जो होती है तो ये आपकी data types होती हैं तो हम थोड़ी सी basic data type आई देखते हैं कि कौन-कौन सी है PostgreSQL के अंदर इसमें boolean है ये तो true false होगी आपकी logical categories की logical है size इसका 1 byte है और इसमें आपकी दो value जो है range आपकी true होगी या false होगी जबकि numeric के अंदर फिर आपकी small int आ जाती है सारी की सारी integers की हैं serial है big int है integer है इसका फर्क क्या होता है इसका फर्क होता है value की range का यानी कि आप जो small int है इसमें -32k से लेके +32k तक की वैल्यूज दे सकते हैं इसी तरह इंटीजर के अंदर आपकी ये वैल्यूज बिलियन के अंदर चली जाती हैं यानी कि फिगर इसका जो है बिलियन तक आप माइनस से लेके प्लस में लिख सकते हैं बिग इंट के अंदर फिर इसकी पावर आ जाती है 90 तो -10 की और उसके बाद सीरियल थोड़ा सा इनसे डिफरेंट है सीरियल जो होता है PostgreSQL के अंदर ऑटो इंक्रीमेंटल होता है यानी कि आप जब सीरियल डेटा टाइप देते हैं तो होता तो इंटीजर ही है जैसा कि यहां पे आप देख रहे हैं ये आपका प्राइमरी की इसका ये इंटीजर ही यहां पे आ रहा है इसकी जो टाइप है कैटेगरी है सॉरी लेकिन इसका फायदा क्या होता है इसमें सीरियल का ये फायदा होता है कि जब आप नया डाटा एंटर करते हैं नए कॉलम में यहां पे डाटा एंटर करते हैं तो आपके जिस कॉलम की सीरियल वैल्यू होती है ना डाटा टाइप होती है उसमें आपको डाटा डालने की जरूरत नहीं होती वो क्या करता है वो मैक्सिमम वैल्यू पिछली उठाता है और उसमें प्लस 1 कर देता है यानी कि ऑटो इंक्रीमेंटेड होता है ये हमेशा हम जो है प्राइमरी की में ही यूज किया जाता है ज्यादा 90% कि हम बाकी डाटा इंसर्ट करते रहे तो ये जो सीक्वेंस को यूज करते हुए जो कॉलम का सीक्वेंस होता है उसमें प्लस 1 करता जाता है तो ये आपकी ऑटो इंक्रीमेंटेड प्राइमरी की रेडी होती जाती है ठीक है इस तरह आपका न्यूमेरिकल आ गया और ये भी आपका रियल है डबल प्रेसिजन यानी कि डॉट की वैल्यू अगर आप देना चाहें उसके बाद मनी है मनी में आप क्या करते हैं यहां पे आपका साथ वो डॉलर या पीकेआर टाइप जो है वो यहां पे आप यूज कर सकते हैं उसकी वैल्यूज होती है यहां पे डेट जो है इसकी इंटीजर न्यूमेरिकल डेट होती है ठीक है यानी कि आप डेट में से माइनस डेट करते हैं यानी कि एक डेट है आपके पास ये वाली यहां पे ये डेट है ये इसमें से आप माइनस करते हैं ये वाली डेट तो वो जो उसका रिजल्ट होता है वो 2 या 3 आएगा यानी कि जितने दिन का फर्क है उतना फर्क आ जाएगा यहां पे तो काफी दिनों का फर्क है कोई 24 दिनों का या 23 दिनों का फर्क है तो वो इंटीजर वैल्यू जो है वो आपकी रिटर्न कर देता है टाइम स्टैम्प होगा इसके अंदर टाइम आ जाता है करंट टाइम जो आपकी वैल्यू होती है रियल टाइम ठीक है यही बात जो कर रहे थे हम ये रियल टाइम जो है टाइम स्टैम्प रियल टाइम आपका आ जाता है इसके अंदर उसके बाद सिंपल टाइम सिंपल डेट आ जाती है इंटरवल आपका आ जाता है ठीक है आपकी लेंथ आ जाती है सेकंड की कितना इंटरवल आपका कितने दिन का इंटरवल है यानी कि 1 दिन का 4 दिन का 5 दिन का उसके बाद स्ट्रिंग वैल्यूज आ जाती हैं आपकी जिसके अंदर कैरेक्टर होता है सिंपल बाइट के अंदर होता है ठीक है वार चार होता है टेक्स्ट होता है और ये वो वैल्यूज होती हैं यहां पे आप कैरेक्टरिंग इसके अंदर देख रहे हैं तो नेक्स्ट आज हमारा टॉपिक जो है वो केस स्टेटमेंट है जिसमें हम केस के ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करेंगे लेकिन उससे पहले हमारा थोड़ा सा ये एक दो टॉपिक जरूरी हैं जिसमें आपका कंपैरिजन ऑपरेटर्स आते हैं कि आप जो है वो किसी भी वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हैं दूसरी वैल्यू के साथ यानी कि आप देखते हैं कि आपकी ये वाली वैल्यू जो है हॉस्टल के अंदर क्या ये दूसरी वैल्यू से चेंज है या वही वैल्यू है तो थोड़ा सा आप अगर कंपैरिजन करना चाहते हैं तो वो कैसे करते हैं ऑपरेटर जो है वो कैसे यूज करते हैं वो आज हम उसको प्रैक्टिस भी करेंगे तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है कि आप वैल्यू जो है वो चेक करते हैं कि अगर आपकी a वैल्यू इज इक्वल टू है b वैल्यू के तो आपकी कंडीशन आगे ट्रू या फॉल्स हो जाए ठीक है यानी कि यहां पे भी आपकी आ रही है a इज इक्वल टू b है ये आपकी इज नॉट ट्रू यानी कि बताने का मतलब ये है कि अगर a जो है ये b के इक्वल नहीं होता यहां पे आपका b की जगह पे a होगा तो ये आपका इक्वल होगा उसी तरह ये आपकी नॉट के लिए यूज होती है कि आप प्रेजेंट करते हैं कि नहीं है b के इक्वल उसके लिए आपका ये वो यूज होता है इसी तरह इक्वल और नॉट इक्वल के लिए ये वाला यूज करते हैं PostgreSQL के अंदर ठीक है ये ग्रेटर देन के लिए यूज होता है लेस देन के लिए यूज होता है और ये ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए यूज होता है और ये लेस देन और इक्वल टू के लिए यूज होता है यानी कि जब भी आपने कंपैरिजन करना हो किसी एक वैल्यू को दूसरे से आज हम प्रैक्टिस में भी इसको देखते हैं तो ये आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं जो कि आप यूज करते हैं
उसके बाद आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स आ जाते हैं, ठीक है, उसमें आप उन कंडीशन लगाते हैं वेयर क्लास के साथ, यानी कि अगर आप वेयर लगाते हैं कि वेयर इज इक्वल टू ए एंड बी इज इक्वल टू सी, यानी कि अगर आप एक से ज़्यादा कंडीशन लगाना चाहते हैं कि आपका ये भी हो और ये भी हो, तो वहाँ पे एंड लगा देते हैं या नॉट लगा देते हैं या फिर और इसकी स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो अभी हम प्रैक्टिस में इसको देखते हैं। तो हम अपने प्रैक्टिस के लिए आज फिर टेबल जो है वो TBS स्टूडेंट्स को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम टेबल जो है वो लिख लेते हैं। तो चूंकि हम आज केस स्टेटमेंट को देखने जा रहे हैं, तो हम केस स्टेटमेंट के अंदर ही अपने जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं या कंडीशन ऑपरेटर्स हैं उनको यहाँ पे देखते हैं। ये आपका फर्स्ट कॉलम आ गया। स्टेटमेंट होती है वो क्या करती है, थोड़ा सा मैं पहले बता दूं, केस स्टेटमेंट के अंदर वो आप कंडीशन लगाते हैं कि आपकी कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो आपकी आउटपुट क्या होगी, यानी कि आप अपने आउटपुट भी डिफाइन कर देते हैं कि एक आप कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो उसकी आप कहते हैं अगर ट्रू या फॉल्स हो जाए तो आपकी इस वैल्यू के अगेंस्ट कौन सी वैल्यू जो है वो आउटपुट में आए। तो हम देखते हैं को कैसे यहाँ पे यूज़ होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि केस का ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ होता है। तो हम जो देखते हैं कि प्रोग्राम की जो फील्ड है इसके ऊपर हम केस यूज़ करते हैं कि अगर हमारा BS आ रहा है तो हम क्या करते हैं कि हम इसको बैचलर डिग्री शो करवाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे PhD आ रही है तो हम कहते हैं कि यहाँ पे आउटपुट जो है हमारे पास डॉक्टर की आ जाए, MA है तो मास्टर डिग्री की आ जाए, जबकि यहाँ पे ऐसा कोई वैल्यूज नहीं है, ना तो आपको मास्टर नज़र आ रहा है और ना ही कोई आपको PhD वगैरह कोई डॉक्टर वगैरह नज़र आ रहा है, लेकिन हम कंडीशन के थ्रू जो है वो इसकी आउटपुट यहाँ से क्रिएट करेंगे। तो हम केस लगा देते हैं। केस का मतलब ये कि हम इसको बता रहे हैं जो अपना पोस्टग्रेस एडमिनिस्ट्रेटर है कि हम यहाँ पे कंडीशन लगाने जा रहे हैं, ठीक है। केस हमारा लग गया और अब हम लगाते हैं कंडीशन व्हेन। व्हेन के बाद हम देते हैं अपनी वो वाला कॉलम यहाँ पे हमने जिसके ऊपर कंडीशन लगानी होती है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोग्राम और यहाँ पे लगाते हैं हम कंपैरिजन ऑपरेटर। अगर हमारा प्रोग्राम है इज इक्वल टू किसके इक्वल, PhD के, ये हमारी वैल्यू है जो कि इसके अंदर यहाँ पे पड़ी है, ठीक है। PS कर लें या कर लें, ये PhD भी यहाँ पे है, MA है, तो आप जो भी है इसमें से वैल्यूज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये PhD आ गया यहाँ पे, देखें हम कह रहे हैं कि अगर हमारा प्रोग्राम जो है वो PhD है, इसकी वैल्यू PhD है, तो हमें यहाँ पे आउटपुट जो हम कॉलम देंगे वहाँ पे क्या हमें शो होना चाहिए, तो हम उसको कहते हैं कि देन हमें क्या शो कराए, ये हमें शो करवाए वहाँ पे डॉक्टर। ये एक कंडीशन हमने लगा दी। उसके बाद हम एक से ज़्यादा भी कंडीशन लगा सकते हैं, जितनी चाहिए यहाँ पे आपकी वैल्यू है उतनी कंडीशन जो है आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं इसको कहता हूँ कि अगर मेरे पास प्रोग्राम वो इक्वल है किसके, MA के, MA की वैल्यू है ना यहाँ पे हमारे पास, तो वो हमें शो करवाए यहाँ पे, देन उसको हम शो करवाते हैं मास्टर, ठीक है। इतना आपका ठीक हो गया, ये आपने दो कंडीशन लगा दी। और हम कहते हैं कि ये हमें सिर्फ दो चाहिए, इसके अलावा जितना हमें बाकी उसको हम अदर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम else का ऑपरेटर यूज़ करेंगे, ठीक है। else क्या कर दे, else उसको शो कर दे अदर, और इसको हम कर देते हैं यहाँ पे एंड, सॉरी ये else जो है ये भी साथ ही आएगा यहाँ पे, और इसको हम कर देते हैं एंड, यानी कि हमारी कंडीशन जो है वो ख़त्म हो गई है। और एज और ये जो हमारी वैल्यू जो है ये वाली आई, इसको कॉलम का नाम हमने क्या शो करवाना है, उस कॉलम का नाम जो है वो हम यहाँ पे रख देते हैं डिग्री, और ये आपका एक जो कॉलम है वो तैयार हो गया। दो कॉलम आ गए, एक हमने आईडी लिया था, एक जी हमने अपना नया कॉलम तैयार किया है। उसके बाद हम साथ जो है वो प्रोग्राम भी शो करवा लेते हैं कॉलम के अंदर, और फ्रॉम का क्लास यहाँ पे हम लगा देते हैं TBL कंट्रोल स्पेस स्टूडेंट्स, और ऑर्डर बाय करना चाहें तो ऑर्डर बाय कर लेते हैं, ऑर्डर बाय भी हम प्रोग्रामिंग कर देते हैं। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ से, मेरे पास एरर यहाँ पे आ रहा है, सिंटैक्स एरर एड नियर डिग्री, ये जो है ये हमने इसको स्ट्रिंग कर दिया है, ये कॉलम नहीं देंगे, सिंपल हम लिखेंगे एज एलियंस, और ये दोबारा हम इसको चलाते हैं, एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारी एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने आईडी का कॉलम लिया था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमने केस के अंदर एक नया कॉलम अपना रेडी किया है कंडीशंस के साथ, और हमारा तीसरा कॉलम प्रोग्राम का है, ठीक है। अब ये जो हमने तैयार किया, हमने क्या कहा था कि जो PhD है या MA है उसको हम डॉक्टर
या फिर मास्टर डिग्री जो है वो शो करेंगे। अभी ये देखें, ये प्रोग्राम यहाँ पे एम ए आ रहा है, ठीक है, ये एम ए प्रोग्राम आ रहा है, वहाँ पे इसने मास्टर में इसको कन्वर्ट कर दिया, इसकी कंडीशन ट्रू हो गई थी तो इसने इसको मास्टर में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये आपका मास्टर यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, उसके अलावा सारे देखें कि अदर आ रहे हैं क्योंकि हमने बाकी सब पे अदर लगा दिया था। इसके अलावा पीएचडी आपका यहाँ पे होगा, ये पीएचडी आ गया तो वहाँ पे आपका ये डॉक्टर यहाँ पे आ रहा है। तो इसी तरह आप यहाँ पे अगर आपके पास इंटीजर वैल्यूज हैं, आईडी जैसे है, तो आप यहाँ पे ग्रेटर देन यूज कर सकते हैं अपनी कंडीशन, या फिर आप एक ही जो वेन आपने लगाया है इसके अंदर एक से ज्यादा कंडीशन लगा सकते हैं कि वेन आपका प्रोग्राम एम ए एंड आपका प्रोग्राम जो है वो बीएस हो तो आपकी डिग्री जो मास्टर वो आए। अच्छा, अब चूंकि हमारी जो बैचलर है बीएस जो है वो भी मास्टर गिना जाता है, तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर आपकी प्रोग्राम एम ए है या फिर आपकी जो डिग्री है वो बीएस है तो वो मास्टर ही कंसिडर की जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे एंड की कंडीशन लगाएंगे और फिर दोबारा से हम जो है वो प्रोग्राम लिखेंगे और इज इक्वल टू की कंडीशन कंपैरिजन लगा के यहाँ पे हम कर देते हैं अपना बीएस हमारे पास ये आ रहा है, तो बी और एस दोनों कैपिटल हैं, बीएस। अब ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है, ये भी ट्रू होनी चाहिए और ये भी ट्रू होनी चाहिए, तो ये आपका मास्टर आ जाएगा। तो यहाँ पे अब चूंकि अदर आ रहा है इस टाइम, लेकिन इस दफ़ा जो है आपका यहाँ पे क्या आना चाहिए, सॉरी, यहाँ पे आपका मास्टर ही आना चाहिए। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे एंड की कंडीशन नहीं, यहाँ पे और की लगेगी, यानी कि आपकी डिग्री या तो एम ए हो या बी एस की हो, तो आपका जो ऑपरेटर है यहाँ पे वो आपका दोनों में से एक भी ट्रू हुआ तो आपकी डिग्री जो है वो मास्टर की यहाँ पे कंसीडर की जाएगी। तो मैं दोबारा इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, जो है वो मास्टर आ रही है, ठीक है। तो आप समझ आ गई होगी कि यहाँ पे अगर एंड की कंडीशन लगाते हैं तो उसके लिए दोनों कंपल्सरी होने चाहिए। केस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप कहीं भी चेक लगा के एक नया डाटा सेट जो तैयार कर सकते हैं, आप नया कॉलम की मर्जी से तैयार कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप स्ट्रिंग वैल्यू लिखने की बजाय आप कोई कॉलम भी शो करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे लिखते हैं कि व्हेन प्रोग्राम इज इक्वल टू पीआईडी, देन आप यहाँ पे कोई और कॉलम जो है वो, मसलन हमारे पास कॉलम हैं कौन कौन से हैं, ये देखिए मेरे पास ये डिपार्टमेंट का कॉलम है, तो मैं डिपार्टमेंट भी शो करवा सकता हूँ। मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा तो ये देखें, ये पीएचडी जहाँ पे है वहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ पे देखें आपके पास वो डिपार्टमेंट जो है उसने वो वहाँ पे शो करवा दिया है। इस तरह के आप मल्टीपल केसेस भी लगा सकते हैं, एक से ज़्यादा कॉलम भी बना सकते हैं, यानी कि एक कॉलम आपका ये होगा, इसी तरह एक कॉपी पेस्ट करके नीचे एक और कॉलम आप बना सकते हैं। बात की जाए यहाँ तक आपके कंपेरिजन ऑपरेटर्स की, तो ये आपके जो न्यूमेरिकल ऑपरेटर्स हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे प्रोग्राम पीएचडी लिखा हुआ है, तो मैं कर देता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास अगर आईडी वो ग्रेटर देन इक्वल टू वो मैं कर देता हूँ, लास्ट हम देख लेते हैं 920, ठीक है। तो ये चूंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है तो इसको जस्ट वैसे ही लिखूँगा मैं, ये आईडी मेरे पास यहाँ पे आ रही है 888, यहाँ पे फिर मुझे सिर्फ ये डिपार्टमेंट करवा दे, तो मैं इसको जैसे यहाँ से एग्जीक्यूट करूँगा और एंड पे जाके हम देखते हैं कि हमारी 888 जो वैल्यूज थी उसकी प्रोग्राम को क्या शो करवा रहा है। ये देखें यहाँ पे भी हमने डिपार्ट आईडी है वो हमने ग्रेटर देन लगाया है 888। अब 888 से जितनी बड़ी वैल्यूज हैं वो आपकी सारी की सारी ये देखें यहाँ पे डिपार्टमेंट को शो करवा रही हैं अदर के बाद। ये देखें, इसको मैं आउटर बाय जो है वो आईडी कर देता हूँ ताकि वो हमारी सारी वैल्यू जो है एंड पे चली जाए। ये सारी जियोलॉजी वो 888 के बाद डिपार्टमेंट की शो करवा रहा है यहाँ पे। आज का हमारा टॉपिक यही था कि हम केस स्टेटमेंट है उसको देखना चाह रहे थे कि हम इसमें कैसे लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं और कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो कैसे यहाँ पे यूज़ किए जा सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।